हेलो हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप नामदेव। आई होप यू आर एंजॉयिंग माय इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वीडियोस। नाउ आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक ऑन डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। दिस इज़ अ लास्ट क्वेश्चन ऑन डेवलपमेंट ऑफ कोन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ कोन ऑफ 60 mm बेस डायमीटर एंड 75 mm लॉन्ग एक्सिस इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन द HP। यानी कि एक कोन है जिसका बेस 60 mm डायमीटर का है, एक्सिस का रेंज 75 है, उसका बेस HP पर रखा हुआ है। तो आपको टॉप व्यू में सर्कल नज़र आएगा और फ्रंट व्यू में ट्रायंगल नज़र आएगा। यानी कि टॉप व्यू में सर्कल आप ड्रॉ करेंगे, फ्रंट व्यू में ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ स्क्वायर होल ऑफ 20 mm साइड इज मेड इन इट। यानी कि उस फ्रंट व्यू में जो कोन का फ्रंट व्यू होगा, ट्रायंगुलर शेप होगा, वहाँ पे अपन एक स्क्वायर होल करने वाले हैं जिसका इसके स्क्वायर की साइड कितनी है 20 mm है। किस तरह से करना है, सच दैट एक्सिस ऑफ द होल इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ द कोन एट अ हाइट ऑफ 25 mm फ्रॉम द बेस। यानी कि बेस से 25 mm ऊपर जाएंगे हम, तो वहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर का होल जो हम करेंगे उसका एक्सिस और कोन का एक्सिस दोनों का आपस में इंटरसेक्शन होगा। यानी कि दोनों आपस में कहाँ इंटरसेक्ट होंगे, बेस से 25 mm की हाइट पर। और इस तरह से आप इसके होल को ड्रॉ करेंगे। साथ साथ में फेसेस कैसे हैं होल के, फेसेस ऑफ द होल आर इक्वली इंक्लाइंड टू HP। यानी कि जो फेसेस आपको रखने हैं होल के, वो कैसे रखने हैं, इक्वली इंक्लाइंड, यानी कि HP से 45 डिग्री पे होना चाहिए। जैसे कि आपसे बात करूं तो अगर ऐसे आपने होल को बनाया है फ्रंट व्यू में तो ये गलत हो जाए, क्योंकि इसमें दो साइड यानी कि ये और ये दो एजेस हैं स्क्वायर होल की, वो कैसी होंगी, पैरेलल टू HP, ये दोनों हो जाएंगे परपेंडिकुलर टू HP। यानी कि मुझे ऐसे स्क्वायर को ड्रॉ करना है, तो क्या हो जाएगा, ये चारों के चारों कितना एंगल मेंटेन करेंगे HP से 45 डिग्री। तो इस पोजिशन में मुझे स्क्वायर होल बनाना है। ऑलरेडी मैंने इसके टॉप व्यू फ्रंट व्यू को बना लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसके टॉप व्यू को पहले ही तैयार कर लिया है, इसके फ्रंट व्यू को तैयार कर लिया है, इस पोर्शन को भी कंप्लीट कर लिया है। ऑलरेडी यू नो दैट अगर ये पोर्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन आपका पहला है डेवलपमेंट ऑफ कोन का, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले के दो लेक्चर्स देखिए, जिसमें आपको पूरी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कोन का डेवलपमेंट कैसे करना है, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ओके, और एक चीज़ और, अगर वीडियो अच्छी क्वालिटी में आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो आपके दो दिन पहले YouTube ने क्या किया, 480p पर उसको सेट कर दिया है, उससे ज़्यादा क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी वीडियो में। अगर आपको क्वालिटी चाहिए वीडियो को 720p पर देखना, अच्छी क्वालिटी में मेरे सारी वीडियोस देखना है, तो गूगल क्रोम आप इंस्टॉल कीजिए आपके मोबाइल पे और उसको डेस्कटॉप पे सेट कीजिए। मोबाइल पे सेट करेंगे तो आपको क्वालिटी 480p की मिलेगी। ओके, और 720p आपको क्वालिटी चाहिए, अच्छी हाई डेफिनेशन क्वालिटी चाहिए मेरे वीडियोज़ की, तो आपको गूगल क्रोम आप इंस्टॉल कर लें ब्राउज़र, और वहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके उसको सेट कर लीजिए। फिर आप सारे वीडियोस देखेंगे, वहाँ पे आप 720p क्वालिटी को आप सेलेक्ट करके वहाँ आप देख सकते हैं, इसमें आपको पूरे फिगर्स बिल्कुल साफ नज़र आएंगे। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फ्रंट टॉप व्यू फ्रंट व्यू और इस पोर्शन को ड्रॉ कर लिया है, आपको ऑलरेडी पता है। इसको मैंने डार्क ऑलरेडी कर लिया क्योंकि बेस यहाँ पे कटा नहीं, स्क्वायर होल मुझे यहाँ बनाना है, इसलिए मैंने इस बेस को भी यानी कि इस आर्क को भी इस पोर्शन को मैंने डार्क कर लिया। अब मुझे स्क्वायर होल कैसे करना है, इस पोजीशन पे करना है, यानी कि इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस कहाँ इंटरसेट होंगी, अपन 25 के डिस्टेंस पे, यानी कि 20 डिस्टेंस पे जाऊंगा, वहाँ से स्क्वायर ड्रॉ करूँगा लाइक दिस, इस तरह से ये स्क्वायर बनेगा। अब क्योंकि मैं यहाँ पे डायगोनल के थ्रू स्क्वायर को बनाने वाला हूँ, प्रिज्म के क्वेश्चन में भी मैंने ऑलरेडी यही किया था, जो प्रीवियस लेक्चर्स में अवेलेबल है आपके पास मेरे प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करूंगा 25 अबव द बेस, और फिर क्या करूंगा, डायगोनल ड्रॉ करूंगा, यानी कि उस पॉइंट से डायगोनल का हाफ राइट में, डायगोनल का हाफ लेफ्ट में, डायगोनल का हाफ ऊपर की तरफ और डायगोनल का हाफ नीचे की तरफ मैं मार्क करूंगा। चार पॉइंट मुझे मिल जाएंगे, इन चारों को मैं आपस में ज्वाइन कर दूंगा। ओके, तो मैं ये करने वाला हूं। तो आप देखेंगे पहले डायगोनल निकालना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, a√2 फॉर्मूला होता है। तो a इसमें साइड दिया हुआ है, साइड कितना है 20 mm है, यानी कि 20√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा,
28.28 आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे डायगोनल का हाफ चाहिए, तो मैंने इसका हाफ कर दिया, तो कितना आया ये 14.14 mm इसका कैलकुलेशन आया जब मैंने डायगोनल का आधा किया। इसको mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या करूँगा, डिवाइड बाय 10, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही 1.4 सेंटीमीटर आता है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जाऊँगा 25 पे 1.4 1.4 1.4 1.4, 4 पॉइंट मार्क करूँगा, चारों को ज्वाइन कर लूँगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे इस स्क्वायर होल को ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे स्क्वायर होल को बना दिया है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। साइड कितना है इसका, 25 है। ओके 25 साइड अपन यहाँ, चलो यहाँ लिख देते हैं कितना है स्क्वायर साइड, 20 एम का, तो 20 साइड यहाँ पर है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर मुझे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। पहली चीज़, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिल रहा है, दूसरा यहाँ मिलेगा, तीसरा यहाँ मिलेगा, चौथा यहाँ मिलेगा, पांचवा यहाँ मिलेगा, छठा यहाँ मिलेगा, सातवा यहाँ मिलेगा, आठवा यहाँ मिलेगा, यानी कि टोटल मुझे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 8 पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसकी नेमिंग कर देता हूँ, ये हो जाएगा P डैश, ये हो जाएगा Q डैश, ये R डैश, S, T, U, V और W। ओके आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए हैं। और सारे पॉइंट्स मार्क करने के बाद मुझे ये नोटिस में आ रहा है कि 8 में से सारे पॉइंट जनरेटर पे हैं, P डैश और T डैश नहीं है। तो T डैश और P डैश को मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे लेके आना पड़ेगा। इसको नीचे लाने के लिए मुझे करना क्या होगा, सीधे नीचे लेके नहीं आना है मुझे, सीधे नीचे लेके आऊँगा तो गलत हो जाएगा। मुझे क्या करना होगा, इनको पहले ज्वाइन करना होगा किससे, ओ से। तो P डैश को ओ डैश से ज्वाइन किया, इस लाइन को थोड़ा सा डार्क बना रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, इसे ऐसे लेके आना है। सिमिलरली मुझे क्या करना है, ओ डैश से टी डैश को ज्वाइन करना है और उसे नीचे लेके आना है। आई थिंक आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ तक लाने के बाद फिर उसको आप नीचे लेके आएंगे, लाइक दिस। एक इसे लेके आया और एक मैं इसे लेके आया, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। कोन में ऐसा करना पड़ेगा आपको, प्रिज्म होता सिलेंडर होता तो नहीं करना पड़ता है ना, यहाँ पे एपेक्स, इसलिए इसको इस तरह से ही लाना है, ओ से ज्वाइन करना है और फिर नीचे लेके आना है, इसको ओ डैश से टी डैश को ज्वाइन करना है फिर नीचे लेके आना है, इस तरह से आपको इसको करना पड़ेगा। अब इसने कहाँ कट किया, एक यहाँ पे कट किया तो ये पॉइंट पी हो गया, एक यहाँ पे कट किया, एक पॉइंट पी मुझे यहाँ मिला, इसने यहाँ पे कट किया तो ये पॉइंट टी मुझे यहाँ मिलेगा, इसने यहाँ कट यहाँ पे किया तो एक पॉइंट टी मुझे यहाँ मिलेगा। सारे पॉइंट्स मैंने ले लिए, अब मुझे यहाँ से लाइन पॉइंट्स तो मुझे सारे बीच में मिलने वाले हैं स्क्वायर के, मगर पहले इनको मैं इसके सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है ना, तो पहले इस आर्क पे पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। कैसे करूँगा ऑलरेडी बता देता हूँ आपको मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से मार्क ही कर देता हूँ मैं। ओके सॉरी फॉर दैट, हिल गया कैमरा थोड़ा सा, मैं मार्क कर देता हूँ। कैसे मार्क करना है, ये बी से सी के बीच में आ रहा है ना, तो मुझे बी से लेकर सी के बीच का डिस्टेंस लेना है और बी से लेकर सी के बीच में डिस्टेंस लेके मार्क कर देना है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट आ गया है पॉइंट पी। ओके ये पॉइंट पी नहीं है, पॉइंट पी तो यहाँ पे आएगा, मगर ये मैंने एक काम करता हूँ पी वन नाम दे देता हूँ यहाँ पे, तो आप समझ जाएंगे यहाँ से जो लाइन जाएगी वो पी की लाइन जाएगी। ओके अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, ई से लेकर एफ के बीच में आ रहा है, तो ई से लेकर डिस्टेंस लिया और मैंने ई से लेकर डिस्टेंस रख के यहाँ पे कट किया, ये पॉइंट टी था ना, तो एक काम करता हूँ यहाँ पॉइंट का नाम दे देता हूँ टी वन ताकि आपको याद रहेगा। फिर ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, एस से लेकर आई के बीच में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा एस से लेकर आई के बीच का डिस्टेंस ये लूँगा और एच पर रखूँगा और यहाँ कट कर दूँगा। ये पॉइंट कौन सा आ गया, इसे टी नाम था तो मैंने यहाँ पे टी वन नाम दे दिया। ओके फिर ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, के से लेकर एल के बीच में आ रहा है, तो ये डिस्टेंस मैंने यहाँ से लिया, के से लेकर एल के बीच में रखा और मैंने इसे यहाँ पे कट कर दिया। तो ये पॉइंट जो आया, ये पॉइंट कौन सा आया, ये पॉइंट पी था, तो मैंने एक काम कर दिया इसको पी वन नाम दे दिया। आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इन चारों को मुझे ज्वाइन करना है, वीडियो बहुत बढ़ता जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ इनको P1, T1, T1, P1 इनको O से ज्वाइन कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने क्या किया, इन सबको P1, T1, T1, P1 को ज्वाइन कर दिया और थोड़े इस लाइन को डार्क बना दी ताकि थोड़ा सा आपको अलग से नज़र में आ जाए। और मैंने क्या किया, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना सबको OA तक ले आया, किस तक ले आया, OA तक ले आया। अब क्या करना है, पहले तो इन सारे V पॉइंट है, V पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, ओ डी पर आ रहा है ना, ओ जे पे आ रहा है, और जैसे यू वन पॉइंट आ रहा है कहाँ आ रहा है, ओ ई और ओ
आई पे आ रहा है, इस तरह से आपको ऑलरेडी पता है। प्रीवियस दो वीडियोस आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो पहले उस वीडियोस को देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ट्रांसफर किए हैं। बस याद रखिएगा, नई चीज़ में ये है, पी को, पी की लाइन ये है, तो पी को ट्रांसफर करने के लिए आपको पी की पी वन पे लाना पड़ेगा और यहाँ पी वन पे लाना पड़ेगा, यानी कि इस लाइन पे लाना पड़ेगा। तो पी वन को, पी डैश को ट्रांसफर करने के लिए इसको सेंटर मान, तो यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट यहाँ मिलने वाला है और एक पॉइंट यहाँ मिलने वाला है। सिमिलर उसी वे में जो पॉइंट है टी वन, तो यहाँ आपको टी मिलेगा, तो टी का मिलेगा टी वन वाली लाइन पे और इस टी वन वाली लाइन पे। तो इससे आप इस ओ को सेंटर मान, तो यहाँ से आग ड्रॉ करेंगे टी वन वाई लाइन पे, यहाँ आपको टी मिलेगा और एक टी आपको यहाँ मिलेगा टी वन लाइन पे। बाकी सारे पॉइंट को वैसे ही ट्रांसफर करने हैं जैसे अपन ने प्रीवियस दो वीडियोस में किए थे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब मैं इन सारे पॉइंट को ट्रांसफर कर देता हूँ क्योंकि वीडियो वैसे ही 11 मिनट्स का हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को मैंने ट्रांसफर कर लिए हैं। कैसे ट्रांसफर किए, जिस जनरेटर पर ये पॉइंट था उस जनरेटर पर मैं ओ को सेंटर मानते हुए यहाँ से आग ड्रॉ करते ले गया। याद रखिए, पी और टी का मिले थे, ये पी वन और टी वन जो लाइन ड्रॉ की थी उसी पे मिलेंगे, उसी किस आग पे मिलेंगे, इस आग पे मिलेंगे जो मैंने ड्रॉ किया। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो क्योंकि आपने ऑलरेडी दो क्वेश्चन इसके किए हैं, तो ये तो बनेगा ही बनेगा आपसे। अब क्या करना है, इन सारे पॉइंट को मुझे स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है। तो मैं इसे कर देता हूँ, एक स्क्वायर होल यहाँ दिखेगा, एक स्क्वायर होल आपको यहाँ दिखेगा, बाय एंड कर्व ज्वाइन करना है इसको। ओके, इट इज़ अ सिलेंडर, इट इज़ अ कोन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इन सारे पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दिया बाय अ डार्क लाइन। ओके, अब क्या करना होगा मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो बाउंड्री इसकी डार्क है, बाउंड्री कोई कटी नहीं है, तो इसके मतलब यहाँ से ओ से ए, ओ से ए भी मुझे डार्क करना होगा। इसे तो ऑलरेडी मैं डार्क कर चुका हूँ, तो ओ से ए को डार्क कर देता हूँ मैं। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने इनको और इस आर्क को भी और डार्क कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का डेवलपमेंट यानी कि ओ डैश ए डैश से काट के मैं इसे ओपन करूंगा तो ये मुझे नज़र आएगा। तो दिस इज़ द डेवलपमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हो, मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।